नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो कमेंट्स कमेंट्स कमेंट्स, खुश हैं आप लोग उस न्याय से जो अहिल्या बाई होलकर ने किया और मल्हार राव होलकर ने उस पे लगाई अपनी मोहर। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, बहुत ही प्यारे कमेंट्स आए हैं इस हफ्ते। बहुत ही बढ़िया वाला रिस्पॉन्स है आप लोगों का इस एपिसोड को लेके जो इस हफ्ते हुए हैं। चलिए, कमेंट्स की आज वीडियो बनाना होता है, आपसे शेयर करना होता है, मंडे का दिन है तो शुरू करते हैं कमेंट्स का सिलसिला। मगर 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 पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, धन्यवाद। चलिए पहला कमेंट पढ़ते हैं शशि मित्तल जी का। ये लिखती हैं, बड़ा ही प्यारा कमेंट है दोस्तों। कहती हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑफ दिस सीरियल आर रिक्वेस्टेड टू टेलीकास्ट डेली फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 1 आवर 1/2 आवर इज नॉट सफिशियंट। तो सीधा सीधा इनका जो है रुझान दिख रहा है, कितना ये पसंद कर रही हैं सीरियल पुण्य श्लोक अहिल्या भाई को। इनका कहना है कि आधा घंटा पूरा नहीं होता है हमारे लिए, हमें 1 घंटे का एपिसोड दिखाइए प्लीज। और ये उन्होंने रिक्वेस्ट किया डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से, तो हमने ये रिक्वेस्ट आपकी आगे तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया है शशि जी। हमने अपने वीडियो में इस कमेंट को शामिल किया है और उम्मीद करते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट उन तक जरूर पहुंचेगी। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है सवित्री कश्यप का। ये लिखती हैं, अहल्या बाई होलकर जैसी वीरांगना और बुद्धिमान नारी रानी पर भारतवर्ष को सदा गर्व था और रहेगा। अहल्या बाई की जय। जी हाँ, अहल्या बाई की जय, बिल्कुल सही आपने कहा। जिस तरह से, जिस मन से, जिस दिमाग से वो निर्णय लेती हैं, न्याय करती हैं, वो किसी किसी के पास ही होता है। इतना काम एंड कंपोज जो निर्णय है उनका, उसमें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि अहिल्या बाई को गुस्सा आ रहा है या अहिल्या बाई उठ के चार मार देंगी चांटे पिल्लाजी पाटिल को। दोस्तों ये वही कर सकते हैं जिनके मन में एकदम से गुस्सा आए, एकदम से वो शांत कर ले। मगर अहिल्या बाई होलकर अलग है, वो हर चीज को परख के करती है और फिर सही निर्णय पे पहुंचती है, इसलिए आज उनका नाम जो है इतिहास में दर्ज है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसी वीरांगना और ऐसी बुद्धिमान नारी जो है कोई कोई ही हो सकती है, तो बिल्कुल सही बात है। भारतवर्ष का गर्व है अहिल्या बाई होलकर। थैंक यू सो मच सवित्री कश्यप जी आपके इतने प्यारे सुंदर कमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आरती शर्मा जी का कमेंट पढ़ते हैं। आरती जी कहती हैं, खंडेराव कब आएगा, उसका प्रोमो भी डाल दो प्लीज, सोनी वालों ने तो तंग करने की जैसे कसम ही खा रखी है। तो देखो आरती जी, आप ही अकेले तंग नहीं है, सोनी वाले भी तंग हो गए हैं। आपको मैं बता दूं, हमने एक वीडियो भी डाला था कि जो खंडेराव की उन्होंने चॉइस की थी, जो बड़े खंडेराव हैं जिनका रोल कर रहे थे किंशु, उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। उन्होंने नहीं करने की बात की है कि मैं ये सीरियल नहीं करूंगा, क्योंकि उनको दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया है। अब जब ऐसा होता है तो थोड़ा डिले तो हो ही जाता है। अब नए खंडेराव आएंगे, किंशु नहीं है जो बड़े खंडेराव हैं, अब है गौरव, गौरव करेंगे। गौरव अमलानी नाम है जो कर रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर है, थिएटर के एक्टर है और बहुत बढ़िया वाला रोल निभाएंगे। और वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है, हर चीज का रीजन होता है। प्रोड्यूसर जो है इस सीरियल के, सोनी टीवी वाले जो है, वो किंचू से तो अलग से निपट ही लेंगे, मगर नए खंडेराव के साथ वो नया प्रोमो जल्दी ही आप सबके सामने देंगे। तो थैंक यू सो मच आरती जी आपके कमेंट का। अगला कमेंट है दोस्तों सूर्यकांत तिवारी जी का। सूर्यकांत जी लिखते हैं, आपने जो भी कहा उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। गुनो जी ने मूर्खतापूर्ण बात कही है, हम सभी को अपने कर्म सही रखने चाहिए। गुनो जी और धना जी शुरू से ही कपटी और धूर्तपूर्ण चाल चलते आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो उनको मुंह की खानी पड़ी है। इतनी गंदी चालें चली हैं, पीठ पीछे उन्होंने ऐसे ऐसे कार्यक्रम किए हैं, ऐसे ऐसे कांड किए हैं कि क्या कहने। पता होते हुए भी उनके पास, मल्हार राव होलकर के पास कोई सबूत नहीं था, वो कुछ कर नहीं पाए, मगर इनकी जो कहानियां, इनके किस्से जो है उनके तक पहुंचते ही जरूर होंगे। मगर दोस्तों यहाँ पे आपने जो सूर्यकांत जी ने बात कही है, बिल्कुल सही कही है, कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, इसलिए वो कर्मों का फल भुगत रहे हैं और अपनी मूर्खता की खुद ही जो है स्वाद जो है चख रहे हैं। थैंक यू सो मच सूर्यकांत जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है गणेश जी का। ये लिखते हैं, धना जी आज से पहले ही बोल चुके हैं कि महाराजा मल्हार राव से दुश्मनी, मतलब पेशवा से दुश्मनी, डर कर
2 दिन बाद दरबार में हाजिर होंगे। बिल्कुल सही बात है जो उन्होंने कहा है ना कि देख लूंगा अब मैं ये करूंगा वो करूंगा। और बात आपकी सही है क्योंकि जब खुद ही ये बात मानते हैं कि अगर मल्हार राव होलकर के ऊपर कोई भी हमला करते हैं तो वो सीधा पेशवा पे हमला करना हो जाएगा, पेशवा से दुश्मनी ये ले सकते नहीं है, ये तो मल्हार राव होलकर से भी सीधी सीधी टक्कर नहीं ले सकते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है गणेश जी कि ये सिर्फ 2 दिन का इनका असर है, फिर जो ये बोल रहे थे साम दाम दंड भेद वही करते नजर आएंगे जो पहले करते थे, पीठ पीछे छुरी घोपने वाला काम। तो सही पहचाना है आपने इन दोनों को, तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है कविता जी का। कविता जी क्या लिखती है पढ़ते हैं, क्या कहती है कविता जी। कहती हैं द्वारका ऑलवेज वॉन्टेड टू हार्म खंडेराव बट शी फॉरगॉटन दैट टाइम इज पावरफुल, नाउ टाइम इज गिविंग हर पनिशमेंट। करेक्ट है, आपने भी गणेश जी की तरह ही आपने कहा है, उन्होंने धना जी गुनू जी के लिए कहा है, आपने द्वारका के लिए कहा है। द्वारका ने जिस तरह खंडेराव के साथ किया है, यानी कि खंडेराव के जरिए एक माँ के साथ किया है, गौतमा के साथ किया है, और द्वारका की वजह से ही गौतमा और खंडेराव के बीच में 7 साल का गैप आ गया है, और एक जुदाई माँ और बेटे की जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ द्वारका और उसकी जो मंडली है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो अब जब अपनी बेटी पे बात आई है तो फिर कैसे भूल गई कर्मा को। आपने बिल्कुल सही बात कही है, कर्मा हमेशा आते हैं सामने जो अब द्वारका के सामने आ गए हैं। पहचाने और अभी से ही काम शुरू कर दे अच्छे करना, मगर ऐसा करते नहीं है ना लोग कविता जी, वो सोचते हैं हमने तो कोई बुरा काम किया ही नहीं है, ये सारे बुरे काम तो गौतमा कर रही है, अहिल्या कर रही है, मल्हार राव होलकर कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं हम लोगों के साथ। अगर किसी दिन ये आंख इनकी खुल गई कि हमने क्या किया है, तब तो जिंदगी इनकी बदल ही जाएगी, और सबकी जो इस तरह से सोचेंगे कि हम भी बुरा काम कर सकते हैं या हमने गलती से कर दिया होगा, तो उनकी आंख तभी खुल जाएगी। थैंक यू सो मच कविता जी आपके प्यारे से कमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे कमेंट है विशंबर जी का। विशंबर जी लिखते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, आस्तीन के सांपों का पता चल गया कि कौन है जिन्हें मल्हार राव के फैसले से दुख होता है और वो उसके खिलाफ छुपके वार करते रहे हैं, सामने वो जी हजूरी करते हैं, यही मकसद भी था मल्हार राव का अहिल्या को कुछ दिन के लिए राजकाज सौंपने का, ताकि पता लगाया जा सके कि अहिल्या की योग्यता की परीक्षा भी हो जाए और छुपे गद्दारों का पता भी चल जाए। इसलिए मल्हार राव ने ना सिर्फ अहिल्या का फैसला कायम रखा बल्कि उसे शीघ्र लागू करने का निर्णय भी लिया। बिल्कुल सही कहा विशंबर जी, और ये मल्हार राव होलकर हैं जो न्याय के लिए माने जाते हैं, और वो कैसे अन्याय कर सकते थे। और आपने जो कहा कि अहिल्या को 10 दिन के लिए उन्होंने जो गद्दी सौंपी है उसमें 2 काम कर लिए हैं, बिल्कुल सही कहा, एक तो अहिल्या की परीक्षा हो गई है, दूसरा उनको समय मिल गया है गद्दी से थोड़ा अलग होके देखने का कि कौन है गद्दार। करेक्ट है आपकी बात, आपके कमेंट से मैं 101% सहमत हूँ। अगला कमेंट है सुल्ताना शाह का, ये लिखती हैं एक्सीलेंट बेस्ट एपिसोड रियली अहिल्या डिड वेरी गुड पनिशमेंट, मल्हार राव ने दिल जीत लिया, बेस्ट बेस्ट रियली वी अप्रिशिएट। बिल्कुल बिल्कुल सुल्ताना जी, मैं भी बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ क्योंकि दिल जो है ना ऐसे मुंह को आ गया था कि पता नहीं मल्हार राव होलकर क्या बोल देंगे, क्योंकि होता है जब तक फाइनल नहीं होता तब तक ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या होगा, बट उन्होंने ऐसा ही फैसला लेना था ये हमें पता था, तो मगर जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तो धक 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 चलती रहती है ना, तो बहुत ही सही है आपने जो फील किया मैं समझ सकती हूँ। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है नीलेश का, ये लिखते हैं इस तरह की सजा आज होनी चाहिए जो लोग बच्ची औरतों के साथ गंदा काम करते हैं। नीलेश जी बहुत ही सेंसिटिव कमेंट है आपका, आपने बिल्कुल सही बात कही है, आज की तारीख में भी ये सब चीजें हो रही हैं और भी गंदे तरीके से हो रही हैं, बच्चे बच्चियां औरतें सबके साथ ये क्राइम जो है बढ़ता ही जा रहा है। अभी रिसेंटली भी हमने एक घटना सुनी है बम्बई में जो हुआ है, साकिनाका में जो रेप केस हुआ है उसमें बहुत ही बुरी तरह से लड़की को मार मार के मार ही दिया गया है, तो ऐसे केसेस हो रहे हैं, और इन केसेस के लिए अगर ऐसी सजा एक बार किसी एक को हो जाए तो बाकी लोगों को सबक तो जरूर मिलेगा। तो ये जो हिस्ट्री है इसने तो अपना काम कर दिया है ये बात को आगे लाके, बाकी देखते हैं क्या होता है, मगर मेरा एक ही कहना है कि अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी ले ना कि हम ऐसा नहीं करेंगे और जो कर रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो ऐसा क्राइम होगा ही नहीं, तो अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी, तब वो दिन दूर नहीं होगा कि सब लोग अच्छे होंगे सच्चे होंगे और जो वर्ल्ड है वो पीसफुल होगा। तो थैंक यू सो मच निदेश जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है ज्ञान चांद जी का, ये लिखते हैं वास देवी अहिल्या होलकर तो महान है ही बट मल्हार राव होलकर
साहब तो उनसे भी ज्यादा महान निकले, मजा आ गया साहब, बता नहीं सकते। जब मल्हार राव होलकर साहब ने कल की जगह तुरंत उसी दिन शाम को पिलाजी पाटिल को चौरंगा की सजा देने का ऐलान किया, सच बोले तो सर इतने बड़े कोई महान राजा और उनकी पुत्र बहू का अपराधी के लिए इतना कड़ा दंड पनिशमेंट देना पूरी दुनिया के लिए जो अच्छे हैं को एक असीम खुशी से भर गया। अवाम जो ऐसे क्रिमिनल्स हैं उन्हें एक बहुत बड़ा सबक लेसन दे गया। आपको सर मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच ज्ञानचंद जी, आपका कमेंट सच में बहुत ही लेसन वाला है, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है। और जिस घर में मल्हार राव होलकर जैसे ससुर हो और अहिल्या होलकर जैसी बहू हो तो वो अगर शासन पे बैठे हैं तो किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है, और आज की तारीख में भी ऐसा ही होना चाहिए। जैसा आपने भी कहा है कि लोगों को सबक सीखना चाहिए और अच्छे बनना चाहिए, किसी के साथ ऐसा गंदा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा पिलाजी पाटिल ने किया है। बाकी आपने सबक लेसन जैसे एक वर्ड को दो दो बार लिखा है इंग्लिश में भी और अपना हिंदी में भी, उसके लिए बिल्कुल मजा आ गया पढ़ के। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है दोस्तों वीना जी का। वीना जी लिखती हैं, अपराध को खत्म करने के लिए हमेशा ऐसी ही सजा देनी चाहिए, तभी हमारा समाज से बुराइयां खत्म होंगी। तो वीना जी बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ज्ञानचंद जी ने भी कहा है, उससे पहले जो कमेंट पड़ा था उसमें भी यही बात हुई थी। तो बिल्कुल डेफिनेटली मैंने इसके पे चर्चा भी की है कि होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अपराध कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर हिस्ट्री हमें कुछ सिखा रही है तो उससे हमें सीख लेनी चाहिए और फिर एक ऐसी न्याय की जो प्रणाली शुरू करनी चाहिए जिसको देख के लोगों की हिम्मत ही ना पड़े कि ऐसा क्राइम करने की, यानी कि ऐसी सजाएं होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, कृष्णा शर्मा जी का कमेंट है, ये लिखती हैं, सर क्या मल्हार सरकार और अहिल्या के फैसले से सीताबाई पर इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हाँ तो सीताबाई की इन सब में गलती क्या है? तो ये कृष्णा जी ने अपनी तरफ से एक बात कही है, एक सवाल खड़ा किया है कि इसमें सीताबाई की क्या गलती है। तो गलती कोई नहीं है सीताबाई को, बल्कि इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए था। कृष्णा जी मैं ये कहूंगी कि अगर इस डर से कि मुझे मेरे ससुराल वाले तंग करेंगे और ससुराल वाले अपराध पे अपराध करते जाएं, और आप एक शासक की बेटी होते हुए आप उन अपराधों को इसलिए माफ करती जाएं क्योंकि ये मेरे ससुराल वाले हैं, ये मुझे तंग करेंगे, तो ये तो इंसाफ नहीं हुआ। उनकी गलती नहीं है कोई, मगर उनका ये जो उनको झेलना पड़ेगा, जो उनको देखना पड़ेगा आगे ससुराल में जाके, उसके लिए उनको स्टैंड लेना पड़ेगा, लेना चाहिए, क्योंकि वो शासक की बेटी हैं और ऐसे शासक की बेटी हैं जो न्याय पसंद हैं। और अगर उनको सिर्फ इसी चीज का लगा हुआ है दुख कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, फिर वो शासक की बेटी होना डिजर्व नहीं करती है। तो फिर वो आम नागरिक की तरह ही, जिनका बिल्कुल रुझान सिर्फ अपने घर की तरफ होता है, वैसा ही हो जाना चाहिए। मगर मैं आपको जरूर करेक्ट करना चाहूंगी इस बात को लेके कि जो सीताबाई है अभी तक उन्होंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है। अभी तक ना तो हमने देखा है कि उन्होंने किसी प्रजा के बारे में सोचा हो, ना कभी उन्होंने अहिल्या के बारे में सोचा है, किसी के बारे में नहीं सोचा है, सिर्फ अपने बारे में और अपने पति के बारे में और अपनी माँ के बारे में। तो जब आप शासक से कंसर्न करते हो, रिश्ते में होते हो, तब आपको सबके बारे में सोचना पड़ता है। और सबसे पहले आपको खुद मल्हार राव होलकर की बेटी होने के बाद आपको ही एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। जो अहिल्या कर रही है वो सीताबाई भी कर सकती थी, वो भी ऐसे एग्जाम्पल सेट कर सकती थी प्रजा में, जिसमें कि ये कहा जाता कि यस ये है मल्हार राव होलकर की बेटी, तो जो अहिल्या कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि गलती वाली कोई इसमें कोई गलती वाली कोई बात है, बट हाँ सही और इसकी बात जरूर है कि उनको करना क्या चाहिए था। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है दोस्तों किरण जी का। किरण जी लिखती हैं, बट इफ यू गो बैक व्हेन अहिल्या केम शी हैड हर जेलसी एंड एज हर हस्बैंड हैज मर्डर्ड सो मैनी पीपल इन चौंडी विलेज एंड व्हेन एट द टू इंसिडेंट्स टू सेव देयर नेक्स आई वंडर इफ ऑल दिस हैज हैपन्ड इज मैलिशियस बिहेवियर कांट द मल्हार राव सरकार सी दैट इन द दरबार सैनिक टेल्स मंजुला टू कीप हर माउथ शट एंड फादर एंड सन विस्परिंग आई थिंक दे शुड नॉट चेंज हिस्ट्री। तो किरण जी ये सीरियल मैंने पहले भी बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मैं उनको ये बताती हूँ कि जब सीरियल्स बनते हैं हिस्ट्री के ऊपर तो थोड़ा ड्रामा भी बनाना पड़ता है, इसके लिए वो लोग करते हैं
चीजें थोड़ा सा उनको एग्जेजरेट करते जरूर हैं, तो उनमें से ही एक है थोड़ा ड्रामा बिल्डअप करने के लिए। मगर आप ये देखिए कि ड्रामा बिल्डअप होने के बावजूद वो चीज वहीं पे पहुंची जैसी हिस्ट्री में थी, तो सजा हुई ऐसी सजा दर्ज होती है हिस्ट्री में कि इनके राज में ये सजा हुई थी, जैसे शिवाजी के राज में सजा हुई थी उसकी एग्जाम्पल एक और मिल गई अहिल्या के राज में, जो जिस टाइम पे अहिल्या 10 दिन की रानी थी। तो ये सब चीजें हैं, बाकी आपकी बातें बिल्कुल सही है कि ये जो जो भी कुछ हुआ है वो अभी तक उसको लेके उनको कोई सजा नहीं हुई है, जितने भी उन्होंने कार्यक्रम कांड किए हैं उसको लेके। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है राधिका का। राधिका जी लिखती है, वाओ स्पेक्टेकुलर डिसीजन, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस, आई थॉट मल्हार राव विल चेंज द पनिशमेंट टू समथिंग एल्स बट डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू अपहोल्ड अहिल्यास जजमेंट, आई ऑलमोस्ट जम्प्ड आउट ऑफ माय चेयर व्हेन आई हर्ड दिस। LOL लिखा है आगे, मल्हार राव इज ए क्लास एक्ट एंड अहिल्या इज हिज ट्रू एंड जेन्युइन डिसाइपल, व्हाट एन अमेजिंग पेयर दे मेक, लाइक फादर इन लॉ लाइक डॉटर इन लॉ, मल्हार राव प्रूव्ड व्हाट ए ट्रू एंड जस्ट रूलर शुड बी, कुदोस, आई ओनली होप इन द डेज टू कम दीज टू कैन विटनेस्ड एनी स्ट्रॉन्ग एस्पेशली फ्रॉम द्वारकाज टीम। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा और बहुत ही उत्साह वाला कमेंट है राधिका जी का। राधिका जी बहुत बढ़िया आपने बोला है, आपने कहा कि अब चेयर से जंप कर गई, तो यही स्थिति थी सबकी, जैसे कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो और हम लोग फटाफट से उठते हैं तालियां बजाते हैं कि हाँ ये हो गया, वैसे वाली फीलिंग मुझे भी आई, बहुत ही मजा आया देख के। और बहुत ही प्यारा कमेंट है आपका, आपने बड़े प्यार से चीजों को लिखा है, आपने अपना दिल खोल के रख दिया है राधिका जी, थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे कमेंट के लिए। तो अब दोस्तों लास्ट में मैं आपको सुनाऊंगी यामी कदम जी का ऑडियो, जिसमें उन्होंने अपने दिल की बातें कही हैं, सुनिए यामी जी क्या कहती हैं। हेलो हंग्री स्पिरिट्स चैनल, अंजू जी कैसी है आप? मैं यामी कदम सूरत से बोल रही हूँ। आपने पूछा था कि पिलाजी पाटिल को बचाने के लिए गुनू जी का आखिरी दाव भी काम ना आया, तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूँ। एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुनू जी जो है वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, और गुनू जी भी एक गलत रास्ते पे ही चल रहे हैं, और जिस तरह से 7 साल पहले गुनू जी भी खंडेराव को मल्हार राव की नज़रों में गिराने के लिए इस कांड में गुनू जी भी शामिल थे, तो गुनू जी भी आज तक झूठ का ही साथ देते आए हैं, अभी भी वो झूठ का ही साथ दे रहे हैं, और गुनू जी पूरी तरह से गलत है। और जो इंसान गलत होता है उसे कभी भगवान की भी शरण नहीं मिलती और ना ही भगवान उसे माफ़ करता है। तो गुरु जी भी कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि पिलाजी पाटिल ने जो भी हरकत की है या जो भी उसने गुनाह किया है वो गलत किया है और उसने गलत काम किया है, लेकिन धनाजी सरकार की वजह से गुरु जी खुद से और अपने आप से कुछ भी ऐसा कुछ अच्छा काम करना चाहे तो भी नहीं कर पाते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इंसान गलत होता है उसे बचाने के लिए आप कितने भी तर्क वितर्क कुछ भी लगा लो, लेकिन वो इंसान आखिर तक गलत ही रहता है, और जो झूठा इंसान होता है उसे अंत में सज़ा मिलती ही है। तो मुझे लगता है कि पिलाजी पाटिल के साथ जो भी हुआ है वो उसके खुद के कर्म है कि आज उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली है, इतनी भयंकर सज़ा मिली है जिसे सुनकर और जिसे देखकर रूह तक कांप जाए, ऐसी सज़ा पिलाजी पाटिल को मिली है, और पिलाजी पाटिल इस सज़ा का हकदार भी है जो सज़ा उसे मिली है। और गुनू जी भी शुरू से ही, जब से अहिल्या शुरू हुआ है और मैंने गुनू जी का करेक्टर जितना भी देखा है जितना भी समझा है उसके ऊपर मैं यही कहना चाहूँगी कि गुनू जी भी आज तक गलत का ही साथ देते आए हैं, उन्होंने कभी भी सही और न्याय के बारे में सोचा ही नहीं, सही रास्ते पे वो कभी चले ही नहीं। अगर वो सही रास्ते पे चलते ना तो आज खंडेराव को ये सज़ा मिलती ही नहीं, और द्वारकाबाई ने जो चाल चली थी 7 साल पहले खंडेराव को मालवा से दूर फेंकने की, ये चाल तो उनकी कामयाब हो गई, लेकिन इस चाल में गुनू जी भी शामिल थे, गुनू जी, सीताबाई, यमुना और खुद द्वारका।
तो ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि गुनु जी की जगत 7 साल पहले जहाँ थी आज भी वही है, और आज भी वो गलत रास्ते पे चल के गलत का ही साथ दे रहे हैं। आज भी वो द्वारका बाई का ही साथ दे रहे हैं, और गुनु जी को ये बात अच्छे से पता है कि द्वारका बाई गलत है, और उनके खुद के पिता मतलब धनाजी भी गलत है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या गुनु जी के पास दिमाग नहीं है? गुनु जी खुद से ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे सही रास्ते पे चलना चाहिए, सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, और ख़ासकर खंडे राव के बारे में। खंडे राव के लिए जो उनके मन में नफ़रत थी गुनु जी के मन में शुरू से, मतलब खंडे राव छोटे थे तब से वो खंडे राव से नफ़रत ही करते आए हैं। उनको नुकसान पहुंचाने के लिए गुनु जी और धना जी किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन मैं गुनु जी के बारे में एक बात सोचती हूँ कि क्या गुनु जी के पास खुद के पास दिमाग नहीं है? क्या वो कभी भी किसी के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोच सकते हैं? मुझे ये देख के बहुत ही मुझे शॉक लगता है कि कैसे इंसान हो आप, अपनी पत्नी के भाई के साथ ही ऐसा व्यवहार करते हो, उसे सजा दिलवाते हो, मल्हार राव की नज़रों में गिराने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि गुनु जी की ये सोच गलत है, गुनु जी इंसान गलत है, गुनु जी ने कभी आज तक कोशिश ही नहीं की सही रास्ते पे चलने की, और इसमें गुनु जी की कोई गलती नहीं है, इसमें धना जी की परवरिश की गलती है, कि धना जी की परवरिश ही ऐसी है कि आज तक गुनु जी उनका ही साथ देते आए हैं, गलत का ही साथ देते आए हैं, और मुझे नहीं लगता कि गुनु जी कभी सुधर पाएंगे, और ये उम्मीद भी नहीं करती हूँ मैं गुनु जी से कि वो कभी सुधर पाएंगे, क्योंकि वो धना जी के बेटे हैं, कि धना जी इंसान पूरी तरह से गलत है, तो गुनु जी क्यों गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे। धन्यवाद, मैं यामी कदम सूरत से। थैंक यू सो मच यामी जी, आपने इतना प्यारा ऑडियो भेजा, और अपने ऑडियो में आपने सारी बातें कह दी हैं जो आप कहना चाहती थी। उम्मीद है आपकी बातें सबको पसंद आई होंगी, मुझे तो बहुत पसंद आई हैं क्योंकि आप मेरे दिल की बातें भी करती हैं। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो दोस्तों, अगर आपका भी मन है ऑडियो भेजने का जैसे यामी जी ने भेजा है, तो आप भी हमारे इस नंबर पर अपना ऑडियो भेज सकते हैं 9833155523 के ऊपर। और अगर नहीं मन है, थोड़ा आलस आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही, तो भेजिए अपने कमेंट्स। ऑडियो भेजना है तो नंबर मैंने बता दिया है आपको, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।